वेलकम टू द एग्जाम से यूट्यूब चैनल सोच जीतने की। आज हम लोग आपके सामने स्टैटिक जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन है और दिस इज बाय मी और ये हमारा चैनल है एग्जाम से ना, ठीक है। तो आपके सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड, राष्ट्रीय पोषण संसाधन कहाँ स्थित है, ठीक है, चेन्नई, बैंगलोर, न्यू दिल्ली या हैदराबाद। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर कहा जाए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ लोकेटेड है, तो ये जो लोकेटेड है ये हैदराबाद में लोकेटेड है, ये हैदराबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन डी। बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है चेन्नई। चेन्नई के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चेन्नई की अगर बात की जाए तो चेन्नई के अंदर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसीन टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है, ये आपका चेन्नई में लोकेटेड है। चेन्नई में जो है हमारा साउथर्न रेलवे जोन जो है, ठीक है, उसका भी हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर में, साउथर्न रेलवे जो है इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर भी चेन्नई में। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है, ठीक है, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है जिसको बाद में बदल के चेन्नई कर दिया गया। और चेन्नई जो है वो कैपिटल है किसका, तमिलनाडु का कैपिटल है किसका, तमिलनाडु का। और तमिलनाडु का सीएम कौन है, अभी तमिलनाडु का सीएम है इडप्पडी के पलनीस्वामी और तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित है। चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई में जो 1522 के अंदर में पुर्तगाल ने, यानी पुर्तगीज ने एक पोर्ट बनाया था, ठीक है, यानी बंदरगाह बनाया था जिसका नाम रखा था सेंट थॉमस। और यही नहीं बल्कि इंग्लिश ने भी इस मद्रास के अंदर में, यानी चेन्नई के अंदर में एक पोर्ट बनाया था, यानी किला बनाया था और उसका नाम रखा था सेंट जॉर्ज। ये सबसे पहला इंग्लिश सेटलमेंट था, सबसे पहला फोर्ट था अंग्रेज का जो मद्रास के अंदर बनाया था, उसका नाम रखा था सेंट जॉर्ज, ठीक है। और तमिलनाडु को ये क्वेश्चन में पूछा गया है WBCS के प्रीलिम्स में कि उसका नेम चेंज कब किया था। नेम चेंज जो किया गया था 1969 को उसका नेम चेंज किया गया था 1969, ठीक है। देखिए 9 6 9 9 का क्वालिटी होगा 6 बनेगा, फिर 6 क्वालिटी होगा तो 9 बन जाएगा। तो ये ट्री से याद रखिएगा। तो 1969 को तमिलनाडु का जो नेम चेंज कर दिया गया, ठीक है, नाम जो तमिलनाडु रखा गया वो 1969 को किया गया। और उस टाइम सीएम थे CN अन्नादुरई, सीएन अन्नादुरई सीएम थे उस वक्त। तमिलनाडु का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा बहुत न्यू दिल्ली की बात की जाए तो न्यू दिल्ली जो है वो अनंगपाल जो थे, तोमार राजा जो थे, उन्होंने बसाया था। और न्यू दिल्ली को 1911 में अनाउंस किया गया था, 1912 में कैपिटल बना दिया गया था इंडिया का। उस टाइम पहले इंडिया, इससे पहले कहां पर इंडिया का कैपिटल, तो बंगाल के अंदर में था। और उसे 1911 के अंदर में जब किंग जॉर्ज फाइव आए थे और दिल्ली दरबार लगा था, किंग जॉर्ज फाइव आया था दिल्ली दरबार 1911 के अंदर लगा था, तब उस टाइम में फिर दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया इंडिया के अंदर में। और जो न्यू दिल्ली को NCR रीजन में कब इंक्लूड किया गया, यानी नेशनल कैपिटल रीजन, वो बहुत सारा स्टेट के कुछ कुछ एरिया को लेकर एक रीजन बनाया गया नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें दिल्ली को रखा गया। और ये कब किया गया, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 69वां संविधान संशोधन कानून, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 को दिल्ली को क्या बनाया गया, कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया, ठीक है। अगर हम हैदराबाद की बात किया जाए तो हैदराबाद जो है इसको बनाने वाला कौन था, कुली कुतुब शाह। हैदराबाद को कौन बनाया था, कुली कुतुब शाह। और कुली कुतुब शाह ही जो है वो उन्होंने हैदराबाद के अंदर में लेक है हुसैन सागर लेक, ये बहुत फेमस लेक है हुसैन सागर लेक, इसको भी जो है वो कुली कुतुब शाह बनाया था, ठीक है। और कुली कुतुब शाह ने चार मीनार भी यही बनाया था, कुली कुतुब शाह चार मीनार, ठीक है। तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद को ही बसाया, कुली कुतुब शाह ने हुसैन शाह लेक को ही बनाया और कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनाया। और हैदराबाद को यूनेस्को की तरफ से क्यूजाइन के लिए, यानी बहुत अच्छे खाने पीने के लिए एक साइट भी उसको अनाउंस किया गया, जिसको हम तो बोलते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी भी जो है वो हैदराबाद को जो दिया गया था। तो हैदराबाद को बसाने वाले कौन था, कुली कुतुब शाह। हैदराबाद हुसैन शाह लेक सागर लेक कौन बनाया, कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में चार मीनार कौन बनाया, तो कुली कुतुब शाह। तो इस क्वेश्चन में जो और फर्दर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो मैंने आपको देख दिया।
दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन दिखेगा लिखा हुआ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो मुख्यालय है वो वैनना ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वैनना वहां पर है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्दर आगे हम आप लोग को बताएं कि पहले आप लोग देखिएगा वैनना जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, वैनना ऑस्ट्रेलिया के अंदर में और क्या क्या जो है, ठीक है। तो वैनना ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम लोग देखें क्या क्या है वहां पे, तो हम लोग को नजर आएगा कि दो तीन हेडक्वार्टर जो है महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर वो ही वैनना के अंदर में, कौन कौन से है देखिए। तो एक अगर हम लोग देखा जाए तो यूनिडो बोल के है, UNIDO, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका भी हेडक्वार्टर वेन्ना के ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद में UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड ट्रैक, UNODC, ठीक है, इसका भी कहाँ पर हेडक्वार्टर है, वेन्ना के ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इन ओपेक कंट्रीज बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वेन्ना को ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। ये बना था कब, 1960 के बगदाद के अंदर बना था, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वेन्ना के ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है। तो ये जो है ये तीन जो मुख्यालय है और ये चार मुख्यालय के जो वहां पर है वेन्ना ऑस्ट्रेलिया में। फिर से रिविजन कर लेते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है, वेन्ना के ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, वेन्ना के ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। UNODC यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम कहाँ पर है, वेन्ना के ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। और ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री 1960 बगदाद के अंदर में, इसमें 14 स्टेट आता है, ये भी कहाँ पर है, वेन्ना के ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। हम लोग देख लेते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड जो है, जेनेवा स्विट्जरलैंड ये कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुख्यालय है। तो देखिएगा सबसे पहले नाम आता है UNCTAD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहाँ पर है, जेनेवा से स्विट्जरलैंड में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, ये भी आपका जेनेवा से स्विट्जरलैंड में, ये 7 अप्रैल को बना था, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे में बनाते हैं, ठीक है, 7 अप्रैल को बना था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। के बाद में सब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1919 से बना था, जो हम लोग का 1919 का अक्टूबर में बना था, ठीक है, जो कि हम लोग का जिस साल हम लोग का चलियन वाला बाग हमने अमृतसर के अंदर में चल रहा था उसी के अंदर में ILO बना था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस जो 1863 में बना था, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उन्होंने इसको बनाने वाला का बहुत बार नाम पूछे, हेनरी डुनेंट, ठीक है, हेनरी डुनेंट, तो हेनरी डुनेंट जो बनाया था, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर में। फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, ये भी जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर में। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, ये भी जो है जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड का है। फिर हम लोग रिविजन कर लेते हैं जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर क्या क्या है, UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर ICU इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस, फिर साथ में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सारा का सारा मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर में है। जिनेवा के फीफा जो है, फीफा ध्यान रखिएगा, फीफा, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये जुरिक स्विट्जरलैंड के, जुरिक के अंदर, स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के जुरिक के अंदर में फीफा है। और एक याद रखिएगा ओलंपिक जो है वो कहाँ पर है, वो भी स्विट्जरलैंड के लॉजन के अंदर में, स्विट्जरलैंड के लॉजन के अंदर में। तो फीफा कहाँ पर है, जुरिक के अंदर में, और ओलंपिक कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के लॉजन के अंदर में। उसके बाद देखिए WDC के अंदर में क्या क्या है, तो WDC की अगर बात की जाए तो दो ही मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। डीसी का पूर्ण होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन, और वर्ल्ड बैंक जो है WB। उसके बाद में न्यूयॉर्क USA के बात किया जाए तो जो यूनाइटेड नेशन है, खुद यूनाइटेड नेशन वहां पर है। यूनाइटेड नेशन कब तैयार हुआ था, 24 अक्टूबर को तैयार हुआ था, 24/10/1945 के अंदर बना था, ठीक है, तो 1945 के अंदर में। इसलिए हम लोग 24 दिसंबर को हम लोग क्या बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे बनाते हैं, 24 अक्टूबर को, सॉरी 24 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे बनाते हैं। उसके बाद में न्यूयॉर्क के यूएसए के अंदर में क्या पर है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के यूएसए के अंदर में। और यूनाइटेड नेशन वोमेन भी जो है वो भी न्यूयॉर्क के यूएसए के अंदर में है।
तो तीन मुख्यालय न्यूयॉर्क की वैसे के अंदर में, और दो मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर में है। ठीक है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एसोसिएशन जो है कहाँ पर हो जाएगा, वेन्ना के ऑस्ट्रिया में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर एज द मेंबर्स ऑफ यूएन, वर्तमान में यूएन में यूएनओ में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले न्यूयॉर्क की बात की जाए तो यूएनओ तो न्यूयॉर्क बोले, यूएनओ की बात की जाए तो यूएनओ का हेडक्वार्टर हम लोग कहाँ पर देखे, न्यूयॉर्क के यूएसए के अंदर में। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो न्यूयॉर्क के यूएसए के न्यूयॉर्क के अंदर में। कितना ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो पांच से अभी छह बढ़ गया। ठीक है, एक स्पेन जुड़ गया, तो हम लोग देख लेते अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, और अभी एक स्पेन भी जुड़ चुका है। तो छह लैंग्वेज जो है ऑफिशियल छह लैंग्वेज है। अगर मेंबर की बात की जाए तो कितना मेंबर है, 193 मेंबर है अभी, और दो ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है, अगर सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो कौन है, एंटोनिया गुटेरस। एंटोनिया गुटेरस ये कौन सा कंट्री से, पोर्तुगाल से है, पोर्तुगाल से है। ठीक है, अगर इवेंट का चार्टर साइन कब हुआ था, इवेंट चार्टर साइन सेंट फ्रांसिस्को के अंदर में हुआ था। ठीक है, तो ये 24 जून को साइन हुआ था। ठीक है, लेकिन ऑफिस में जब आया था, फोर्स में आया था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, ये 24 जून 1945 को हुआ था, लेकिन ऑफिस में आया था यानी केम इनटू फोर्स 24 अक्टूबर 1945 को, इवेंट चार्टर हुआ था और सैन फ्रांसिस्को के अंदर में हुआ था। ठीक है, और कहा यह जाता है कि यूनाइटेड नेशन का जो कॉइन जो था, यूनाइटेड नेशन जो वर्ड, यूनाइटेड नेशन इन्होंने कौन दिया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति दिए थे, सर नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे उन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो टर्म है उन्होंने दिया था। इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर मेंबर्स इन यूएन, तो 193 मेंबर है और दो ऑब्जर्वर स्टेट, तो 193 मेंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं चार्ट पर। वनडे वंडर्स फॉर रिटेन भाई, वनडे वंडर्स जो है एक आत्मकथा है ये। ठीक है, वो किसकी लिखी हुई है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी की लिखी हुई है। रवि शास्त्री एक बहुत ही क्रिकेट के महत्वपूर्ण कोच है। अगर रिचर्ड विवर्स की बात की जाए तो ये वेस्ट इंडीज की प्लेयर है, और इसकी आत्मकथा की अगर बात की जाए तो डेफिनेटिव आर्जुमेंटिव जो है वो हम लोग का विवियन रिचर्ड जो है वेस्ट इंडीज की प्लेयर है, उसकी किताब का नाम है डेफिनेटिव आर्जुमेंटिव। कपिल देव की बात की जाए तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये इसकी आत्मकथा यानी ऑटोग्राफी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो इसमें और एक किताब है उनका, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल जो है वो कपिल देव का। जिस तरह से क्या नाम, सचिन तेंदुलकर का अगर आत्मकथा करवा दिया तो प्लेइंग इट माई वे हो गया, और अगर गांगुली जी के जो, अगर बीसीसीआई के जो अभी सेक्रेटरी है उसकी अगर बात की जाए तो प्लेइंग क्या नाम है, सेंचुरी इज नॉट इनफ हो जाएगा। वीवीएस लक्ष्मण की बात की जाए तो 2800 बियॉन्ड जो है वो सब उसके आत्मकथा है। तो वन डे वंडर्स किसी किताब है, सुनील गावस्कर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुनील गावस्कर। आगे हम लोग मूव करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नंबर बढ़ते हैं, पेट्रोलॉजी जो है वो किसका स्टडी है, तो पेट्रोलॉजी जो है वो रॉक्स का यानी चट्टान का जो है, पेट्रोलॉजी का विज्ञान को क्या कहते हैं, तो चट्टान जो है वो चट्टान को कहते हैं। पेट्रोलॉजी में जो होता है वो रॉक्स का स्टडी किया जाता है कि रॉक्स का ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो उत्पाद हुआ है, कहाँ से उसका जो है उसका क्या बेसिक है, कहाँ से वो बना है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उस रॉक के अंदर में क्या कंपोजिशन है, किस चीज से मिलकर बना है, कंपोजिशन मतलब किस किस चीज से मिलकर बना है, ये सारा जो है, ये सारा ज्ञान जो होता है, इस सारे रॉक्स का, इस सारा चीज ज्ञान को बोलते हैं पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। ठीक है, तो पेट्रोलॉजी याद रखिएगा। चलिए आपको देखते हैं कि द स्टडी ऑफ सॉइल किसे बोलते हैं, यानी मिट्टी का स्टडी को क्या बोलते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, द स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, माउंट पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए, ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, पहले कौन कौन कौन, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ, सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी दिया हुआ है बचेंद्री पाल, ऑप्शन सी दिया हुआ अन्ना चंदी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है उज्ज्वला राय। तो अगर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्लाइंब करेंगे माउंट एवरेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, तो उसका नाम आता है एडमंड हिलरी, एडमंड हिलरी। और ये जो कंट्री से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से बिलोंग करते थे एडमंड हिलरी। अगर पूरा दुनिया के अंदर बात की सबसे पहला चलने वाला, अगर फर्स्ट
फर्स्ट हम लोग बात किया जाए ओमेन का पूरी दुनिया के अंदर में, तब उसका नाम आता है जुनको ताबाई, फर्स्ट ओमेन क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट, तो जुनको ताबाई। प्रथम दुनिया के अंदर में, विश्व के अंदर प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी थी, उसका आंसर हो जाएगा जुनको ताबाई। लेकिन हमारा क्वेश्चन में पहले हिंदुस्तानी महिला का नाम पूछा है, इंडियन ओमेन का नाम पूछा है। अगर फर्स्ट मेल अगर इंडिया का नाम पूछा जाए, अगर मेल यानी पुरुष का नाम पूछा जाए, हिंदुस्तानी पुरुष का नाम पूछा जाए, तो इसका नाम हो जाएगा अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा जो है पहला इंडियन पुरुष जो थे, और पहला अगर फीमेल पुरुष मतलब पहला जो है महिला क्लाइंबर का नाम पूछा जाए, फर्स्ट वुमेन का नाम पूछा जाए, तब इसका नाम हो जाएगा बचेंद्री पाल। इसका आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल जो थे वो पहला फर्स्ट इंडियन वुमेन थे, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। तो ये चार नाम याद रखिएगा। अगर पूरी दुनिया के पहले पूछा जाए तो कौन एवरेस्ट पे चढ़ा, तो एडमंड हिलरी जो न्यूजीलैंड के थे। अगर प्रथम जो है पूरा दुनिया के जो विश्व के महिला का नाम पूछा, जुनको ताबाई जो जापान से रिलेटेड है। अगर हिंदुस्तानी पुरुष का नाम पूछा जाए तो पहले एवरेस्ट पे चढ़े, तो अवतार सिंह चीमा हो जाएगा। और पहली भारतीय महिला का नाम पूछा जाए तो इसका नाम हो जाएगा बचेंद्री पाल। अब अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो सुचिता कृपलानी कौन है, तो सुचिता कृपलानी जो है इंडिया फर्स्ट वुमेन सीएम है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो सुचिता कृपलानी है, जो कि यूपी के मंत्री मुख्यमंत्री रही है, ठीक है, सीएम रही है। और ये सुचिता कृपलानी जो ये बीबी है इसकी जेबी कृपलानी की, और जेबी कृपलानी कौन है, ये 1947 में आईएनसी के अध्यक्ष रहे थे। जब आईएनसी 1947 में जो देश आजाद हो रहा था, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इन आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, तो नाम आता जेबी कृपलानी। और उसकी पत्नी जो है धर्म पत्नी जो है सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, और किस स्टेट के रही है, किस राज्य के, तो यूपी राज्य के, ठीक है, तो सुचिता कृपलानी का नाम हो गया। और अब अगर हम देखा जाए तो अना चंडी कौन है, तो अना चंडी जो है ये फर्स्ट फीमेल जज है, ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल जज जो है इंडिया का, तो वो अना चंडी है, वो केरला हाई कोर्ट की है, ठीक है, केरला हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज केरला हाई कोर्ट की है। अगर फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट का जज का नाम पूछा जाए तो इसका नाम हो जाएगा फातिमा बीबी, ठीक है, ये समथिंग बॉम्बे हाई कोर्ट की है। अब फर्स्ट अगर ये जज के नाम पर, अगर फर्स्ट जो है ओमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का नाम पूछा जाए, चीफ जस्टिस ठीक है, मुख्य अधीश ऑफ हाई कोर्ट का नाम पूछा जाए, तो लेला कंफ्यूज मत हो गया, फर्स्ट फीमेल जज पूछा जाए, जज किसी भी हाई कोर्ट जज पूछा जाए, ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं सिर्फ जज, तो उसका नाम हो जाएगा आपका अना चैंडी जो केरला हाई कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज पूछा गया तो फातिमा बीबी हो जाएगा एफ बी, और फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का नाम पूछा जाए तो लेला सेठ हो जाएगा। और उज्जवल राय कौन थे, उज्जवल राय एक महिला थी, पहला प्रथम महिला सरकम नेविगेटर जिसको बोलते हैं, सरकम नेविगेटर यानी पानी के माध्यम से दुनिया का सैर करने वाला, यानी पानी के माध्यम से, यानी जो नाव वगैरह के माध्यम से, स्टीमर या जहाज के पानी वाले जहाज के माध्यम से पूरी दुनिया का सैर करने वाला प्रथम जो है हिंदुस्तानी सरकम नेविगेटर हुआ करती थी उज्जवल राय। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट वुमन क्लाइंबर तो बचेंद्री पाल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन इन इंडिया, भारत में पहला सफल हृदय प्रत्योरण ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहला जो है हम लोग का जो हृदय है, जो दिल है, उसका जो ट्रांसप्लांट किया गया था, ये सबसे पहले जो किया गया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल के किया था, पी वेणुगोपाल खत्रिया, डॉक्टर पी वेणुगोपाल खत्रिया जो ये किया गया था, इसे पियोनियर कार्डियो सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है, यानी पियोनियर का मतलब होता है कोई नया चीज बनाने वाले, यानी कार्डियक सर्जरी यानी हार्ट का सर्जरी करने वाले का पियोनियर भी कहते हैं। और इसे जो है ये पद्मा भूषण भी मिला हुआ, ठीक है, पद्मा भूषण। इसे पद्मा भूषण भी मिला हुआ है, ठीक है, तो हमारा सबसे पहले होता है भारत रत्न, फिर उसमें पद्मा विभूषण होता है, फिर पद्मा भूषण होता है, फिर पद्मा श्री होता है, इसे पद्म भूषण मिला हुआ। और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश अभी सीएम कौन है, जगनमोहन रेड्डी, भाई साहब जगनमोहन रेड्डी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन,
फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड और इलेक्टेड टू द राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए नामित की चुनी गई पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? इसका जो आंसर बन जाएगा वो आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। तो नरगिस दत्त का अगर बात की जाए तो इसका ओरिजिनल नेम नरगिस दत्त नहीं है, बल्कि ये स्टेट नेम है, यानी कलाकारी के क्षेत्र में जो नाम रखा जाता है उसके नाम के अंदर में नरगिस दत्त था, लेकिन इसका ओरिजिनल जो नेम था वो रशीद थी, फातिमा रशीद। और इसी के बेटा जो है नरगिस दत्त के बेटा संजय दत्त, संजय दत्त की माँ का नाम जो है वो नरगिस दत्त है। और ये पहली फिल्म स्टार जो थी जिसे राज्यसभा के अंदर में नॉमिनेट किया गया था, यानी जिस तरह से हमारे राज्यसभा के अंदर ने 12 आदमी को कला के क्षेत्र, साइंस के क्षेत्र में जिस तरह से नॉमिनेट किया था, तो ये पहली महिला थी, फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार जो थी जिसे वो नॉमिनेट किया गया था। अगर हम लोग इसका नाम अगर पूछ सकते तो फातिमा से, किससे हम लोग दिलीप कुमार का नाम अगर हम लोग किए थे, जब मैं फिल्म फेयर अवार्ड जब बता रहा था तो उससे मैंने बताया था सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड में जिसको मिला था एक्टर से नाम था दिलीप कुमार। और दिलीप कुमार का भी जो स्टेज नेम था दिलीप कुमार, लेकिन उसका जो ओरिजिनल नेम था यूसुफ खान है। तो ये पूछा भी गया है कि दिलीप कुमार का ओरिजिनल नेम क्या है, यूसुफ खान। इसी तरह से नरगिस दत्त का ओरिजिनल नेम क्या है, वो फातिमा रशीद है, और इसे पद्मश्री भी मिला हुआ है, ठीक है। और जयललिता का अगर बात किया जाए तो जयललिता जो है वो तमिलनाडु के 6 बार सीएम रह चुकी है, 6 टाइम, और इसे जयललिता को अम्मा कहकर भी कहा जाता है, इसलिए कि उन्होंने एक प्रोग्राम और एक मिशन चलाया था जिसमें जो अनाथ बच्चे हैं उसको एडॉप्ट करने का एक मिशन चलाया था, एक प्रोग्राम चलाया था, जिससे बाद में वो अम्मा के नाम से फेमस हो गई थी। और इसका पार्टी का नाम है AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना ट्रिब्यूटर मुन्नत्र खजिगम। AIADMK जो है इसकी पार्टी का नाम है, जो कि अभी तमिलनाडु के अंदर में इसी के पार्टी जो है जो इडप्पडी की पलनीस्वामी जो है वो अभी मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन जाएगा। तो फर्स्ट फिल्म स्टार नॉमिनेट कौन है, नरगिस दत्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन, हु वाज रॉबर्ट पियरी, रॉबर्ट पियरी कौन थे? क्या ये पहले नॉर्थ पोल में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये साउथ पोल में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, या ब्रिटेन के महान राजनेता यानी ग्रेट स्टेट्समैन ऑफ यूके थे, ये इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट पियरी जो थे वो सबसे पहले नॉर्थ पोल में जाने वाले व्यक्ति थे। और अगर रॉबर्ट पियरी की बात किया जाए तो ये यूएस नेवी ऑफिसर हुआ करते थे, यूएस के नेवी ऑफिसर हुआ करते थे, और ये नॉर्थ पोल में सबसे पहले जो है उन्होंने कदम रखा। अगर साउथ पोल की बात की जाए तो रोनाल्ड एमुंडसन, रोनाल्ड एमुंडसन जो थे वो जो है साउथ पोल में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे, और ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे, यूएस से बिलोंग करते थे, यूएस नेवी थे, और ये साउथ पोल में जाने वाले रोनाल्ड एमुंडसन जो थे वो नॉर्वे से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर जो है अगर रॉबर्ट पेरी कौन थे, तो नॉर्थ पोल में जाने वाला सबसे पहले, ठीक है, जो है उत्तरी ध्रुव पूर्व पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हु इज कॉल्ड अ मैन ऑफ पीस इन इंडिया, ठीक है, भारत में शांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो शांति का जनक किसे कहा जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को हम लोग शांति का जनक यानी मैन ऑफ पीस कहते हैं। लाल बहादुर का जन्म जो है वो हमेशा हम लोग को याद रहता है, इसलिए कि 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, उसी 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का भी जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, और इसी 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो हमारे सेकंड पीएम है, पहले पीएम हम लोग का जवाहरलाल नेहरू जिसे हम आचार्य नेहरू भी कहते हैं, और सेकंड पीएम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी है। लाल बहादुर जी ने ही जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारा में और जोड़ते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो हम लोग ये है रेस्टिंग प्लेस है, मतलब जहां पर उनका दफनाया गया या जिस तरह से उनको उनका रेस्टिंग प्लेस जो है उसे हम लोग कहते हैं विजय घाट, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं विजय घाट। और लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम इसलिए महत्वपूर्ण रहता है, जब हम लोग का इंडो पाकिस्तान वार हुआ था 1965 के अंदर में, ठीक उससे 1 साल के बाद में एक एग्रीमेंट हुआ, पीस एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं ताशकेंट एग्रीमेंट, ताशकेंट एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान, ठीक है, अयूब खान जो वहां के डिक्टेटर हुआ करते थे, तानाशाह हुआ करते थे पाकिस्तान के, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट भी हुआ था 1966 के अंदर में, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी का भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत गांधी जी का बात कर लिया जाए तो गांधी जी का भी हम बताए 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था,
और इनका जो रेस्टिंग प्लेस है उसको हम बोलते हैं राजघाट, ठीक है। और जो गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है, वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है वो गांधी जी का जो है आत्मकथा है। और ये कौन सा लाइन था कि गुजराती में, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन किया था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था महादेव देसाई। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाला जो व्यक्ति थे उसका नाम था महादेव देसाई। और गांधी जी को कैसरे हिंद का टाइटल मिला था, और कैसरे हिंद का टाइटल कब मिला था, इसे कैसरे हिंद का टाइटल मिला था जब जिस ईयर में वो हिंदुस्तान आए थे 1915 के अंदर में, तो उसे लॉर्ड हार्डिंग जो है उन्होंने कैसरे हिंद का टाइटल दिया था, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर में एम्बुलेंस के लेकर बहुत ज्यादा योगदान था, एम्बुलेंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा दिया था महात्मा गांधी जी तक, इसलिए इसको कैसरे हिंद का टाइटल मिला था 1915 के अंदर में, जिसने लॉर्ड हार्डिंग को दिया था, जो जो लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी जी को दिया था। और बाद में जाकर 1919 के अंदर में इन्होंने लॉर्ड अपना कैसरे हिंद का टाइटल को वापस कर दिया था, क्योंकि जलियांवाला बाग हो गया था और वहां पर जो है हम लोग का बाल गंगाधर तिलक का भी मौत हो चुका था जो रंगून के अंदर में, इसलिए उन्होंने कैसरे हिंद के टाइटल को वापस कर दिया। अगर बात की जाए कि गांधी जी का पेपर का, तो गांधी जी का एक पेपर बहुत फेमस है, यंग इंडिया, जो 1919 को चालू किया गया था और 1931 को खत्म हो गया था, बंद कर दिया गया 1919 1931। साउथ अफ्रीका में उन्होंने पेपर चलाया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने पेपर एक लॉन्च किया था, चलाया था साउथ अफ्रीका में जो है इंडियन ओपिनियन। और जो है इन्होंने गांधी जी ने एक किताब भी लिखा जो नाम था हिंद स्वराज, जो है हिंद स्वराज जो है उन्होंने भी गांधी जी ने ही ये बुक लिखा था। अगर हम मोटा मोटी नेहरू जी का बात की जाए तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, और ये 14 नवंबर को उनको जन्म हुआ था, जिसमें हम लोग चिल्ड्रन डे भी मनाते हैं 14 नवंबर को। अगर नेहरू जी का ये बात की जाए कि उनका जो रेस्टिंग प्लेस है, जिस तरह से हम लोग देखे कि गांधी जी का राजघाट हो गया और लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट हो गया, तो इसका जो ये है उसका बोलते हैं हम लोग शांति वन, इसको अगर अनुवाद किया जाए तो गार्डन ऑफ पीस कहा जाता है, शांति वन, जो उनका जहाँ पर उनका मतलब बना हुआ है म्यूजियम टाइप का जो बना हुआ है उसको बोलते हैं शांति वैन। अच्छा, नेहरू जी का किताब है जिसको बोलते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने नेहरू जी ही नहीं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखा था। अच्छा, नेहरू जी ने का जो आत्मकथा है नेहरू जी का, वो जो है जिसको बोलते हैं एन ऑटोबायोग्राफी, और इसको दूसरा नाम में हम लोग बोलते हैं टुवार्ड्स फ्रीडम। टुवार्ड्स फ्रीडम जो है वो नेहरू जी का आत्मकथा है। अच्छा, जिस दिन देश आजाद हुआ था उससे एक दिन आगे यानी 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने कुछ स्पीच दिया था, कुछ भाषण दिया था। इस भाषण को हम लोग एक खास नाम से याद रखते हैं जिसको बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद, ये क्वेश्चन में पूछा गया तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। ये जो है उनका 14 अगस्त 1947 का भाषण को हम लोग ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं। तो नेहरू जी का नाम से पोर्ट भी है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह, ये कहाँ पर है, मुंबई के अंदर में, ठीक है। और नेहरू जी ने एक पेपर चलाया था जिस पेपर का नाम क्या है, नेशनल हेराल्ड, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस तरह से मैंने 10 क्वेश्चन स्टडी जीके के ऊपर मैंने आपको कवर कर दिया। उम्मीद है कि हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से समझाया, आपको भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए बाय बाय।